हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर सिक्स पर बात करेंगे, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम लोग इससे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका से पूर्व यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए किस प्रकार व्यवस्थित रहता है, यूकैरियोटिक कोशिका की जो सेल होती है वो इतने भी बड़े डीएनए को केंद्रक के अंदर किस प्रकार व्यवस्थित रखती है, इन सब बिंदुओं पर चर्चा कर चुके थे। किंतु आज बात आती है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, कैसी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसने डीएनए को कैसे रखा है ना। यूकैरियोटिक में तो हम लोग देख चुके थे कि डीएनए जो होता था वो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ अपने आप को कुंडित करके व्यवस्थित रूप में डीएनए केंद्र के अंदर रहा करता था, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता था। किंतु यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो डीएनए है वो किस प्रकार रहता है, देखो यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल कैसे रखा डीएनए, प्रोकैरियोटिक सेल ने कैसे रखा डीएनए। यानी बात तो ये आ ही जाती है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसने अपने अंदर डीएनए कैसे रखा। बात आती है प्रोकैरियोटिक सेल ने अपने अंदर डीएनए कैसे रखा, बिल्कुल बात ठीक है। क्योंकि अब बात आती है सर इसमें रखने ना रखने की चर्चा क्यों कर रहे हो आप, देखिए उसकी सीधी सी बात है कि जो डीएनए है उसको वो एक बड़ा एक थ्रेड है, बड़ा एक धागा है, और उस बड़े धागे को रखने के लिए कोई ना कोई तो व्यवस्था प्रणाली अपनाई ही अपनाई होगी। तो उसी व्यवस्था प्रणाली को हम लोग खोजबीन कर रहे हैं, उसी की ताकझाक कर रहे हैं कि भैया प्रोकैरियोटिक सेल अपने अंदर डीएनए कैसे रखती है। यूकैरियोटिक को तो पता है अच्छे से कि वो क्या करती है, हिस्टोन प्रोटीन का अष्टक बनाती है, इस प्रकार ये अष्टक बना लिया उसने है ना, और इसके बाद इसने इस प्रकार डीएनए को ये व्यवस्थित कर रखा डीएनए को, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक की तो कहानी पता थी, ठीक है, और हम लोग पढ़ भी चुके थे। किंतु बात आती है कि यदि मैं प्रोकैरियोटिक में बात करूं तब वहां पर भी क्या यही फार्मूला लागू होता है, नहीं, वहां पर ये फार्मूला लागू नहीं होता है। तो अब बात आती है वहां पर ये बात लागू नहीं होती है तो कौन सी बात लागू होती है, क्योंकि अब बात आती है कि वो बात ऐसा तो नहीं कहीं डीएनए बिखरा हुआ होता है या डीएनए रखते ही नहीं है, ऐसे कई तरीके से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो आज उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल ने कैसे रखा डीएनए, अपने अंदर डीएनए को किस प्रकार रखा। चलो पता करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको छोटी छोटी हेडिंगें बना के रखी हुई हैं, इन्हीं के थ्रू हम इस पूरे टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे है ना, इनको हम समझते जाएंगे, नीचे हमारे एग्जाम के क्वेश्चन भी बन जाएंगे है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएंगे, और यहाँ से विस्तृत एंड लघु त्री यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम को भी ध्यान रखना जरूरी है और अपने ट्वेल्थ एग्जाम को भी ध्यान रखना जरूरी है। अब बात आती है कि देखिए सीधी सी बात है, यूकैरियोटिक सेल में एक एग्जाम्पल मैं ले देता हूँ, यूकैरियोटिक सेल में मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एस्चेरिया कोलाई, ये एक बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया है। अब जो एस्चेरिया कोलाई है यानी जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है एस्चेरिया कोलाई, इसने डीएनए को कैसे रखा, क्योंकि जो एस्चेरिया कोलाई जो इस बैक्टीरिया है जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है इसकी पूरी की पूरी लंबाई कितनी है, 2 μ है कि नहीं है। लेकिन जो इसके अंदर जो डीएनए पाया जा रहा है, कौन सा जो क्या पाया, जो डीएनए जो पाया जा रहा है उसकी लंबाई कितनी है, 1700 μ है। यानी अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर यदि आप सेल से इस डीएनए की तुलना करो तो बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि जो सेल है जो एस्चेरिया कोलाई है वो 2 μ है ना, 2 μ है, लेकिन जो डीएनए है वो तो काफ़ी बड़ा है। तो अब बात आती है कि शरीर कैसे रखा हुआ, अब आपके अंदर दिमाग में क्वेश्चन आना बिल्कुल जायज है कि ये क्यों इतना बड़ा डीएनए इस कोशिका की छोटी कोशिका के अंदर कैसे रहता है, इसको सीखने की जिज्ञासा आई। तो चलो पता करते हैं, अब हम अपने व्यवहारिक जीवन में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देख रखा होगा कि आपके घरों में क्या होता है कि जब किसी थ्रेड यानी धागे को, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि जो हमारे यहाँ जो धागा होता है जिससे हम लोग कपड़े की सिलाई आदि करते हैं, उस धागे की लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस रूम में रखा होता है, जिस घर में रखा होता है, उस घर से यदि मैं उस धागे को की लंबाई की तुलना करूँ तो काफ़ी बड़ी लंबाई होगी,
उसका कार्य क्या है? उसका कार्य ये है कि वो जो धागा है वो जब इतना बड़ा है तो रखा कैसे गया? तो आप कहोगे सर ये तो बात बड़ी सीधी साधी बात है, उसको हमने क्या किया, उसको रखने के लिए हमने एक कागज़ की रील ली और उस रील में क्या किया, या फिर बोल सकता हूँ कागज़ की छड़ ली और उस छड़ में उस धागे को कंडेंस कर लिया, क्या कर लिया, कंडेंस कर लिया, संघनित कर लिया और मैंने उसको रख लिया। तो बस वही बात यहाँ पर आई कि एस्टेरिया कोलाई ने भी डीएनए को इसी प्रकार से रखा होगा, उसने भी उस डीएनए को कंडेंस कर रखा होगा, क्या कर रखा होगा, कंडेंस कर रखा होगा, यानी संघनित कर रखा होगा, यानी कहने का मतलब सीधा है कि उस डीएनए को एक जगह पर व्यवस्थित रूप में, मेरी बात सुनना, अव्यवस्थित रूप में नहीं, व्यवस्थित रूप में, एक जगह पर कहीं व्यवस्थित रूप में रखा होगा। बिल्कुल बात ठीक है, जिस प्रकार यूकैरियोटिक ने क्या किया था कि एक उसने प्रोटीन लिया था जो प्रोटीन का अष्टक था जिसे मैंने हिस्टोन प्रोटीन कहा था, और इसके आसपास पूरे डीएनए को इस प्रकार कुछ उसने व्यवस्थित कर रखा था। इसी प्रकार ये तो बात थी यूकैरियोटिक की, किसकी बात थी, यूकैरियोटिक की बात थी, ये यूकैरियोटिक सेल की बात है। लेकिन जो चर्चा यहाँ पे चल रही है वो तो प्रोकैरियोटिक की है, यूकैरियोटिक को तुम समझ चुके हैं। तो प्रोकैरियोटिक ने कैसे रखा, क्या इसने भी स्टोन प्रोटीन रखा, नहीं, तो फिर इसने क्या किया, देखिए। तो अब जो ये कहानी हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जैसे मैं एस्टेरिया कोलाई का एग्जांपल ले लूँ, ये क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई और इसकी लंबाई चौड़ाई में बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को आपको मिल रहा है। तो अब इसको कैसे देखते हैं, देखो क्या हुआ, मेरी बात सुनना, इसके लिए इन्होंने एक व्यवस्था प्रणाली लागू की, डीएनए को अपने अंदर रखने के लिए व्यवस्था प्रणाली लागू की जिसे हम बोलते हैं डीएनए पैकेजिंग। क्या कहते हैं, डीएनए पैकेजिंग। इन्होंने डीएनए पैकेजिंग को लागू किया, डीएनए पैकेजिंग का मतलब है डीएनए को पैक करके रखा, बिखरे ना। अच्छा पैकेजिंग का, पैकिंग का मतलब क्या होता है, पैकिंग का मतलब होता है कि व्यवस्थित रूप में संघनित करना, किस रूप में, व्यवस्थित रूप में संघनित करना। तो इन्होंने डीएनए को क्या किया है, डीएनए तो आप लोग जान गए हो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, यानी सीधा बोल सकते हो आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। अब इस आनुवांशिक पदार्थ की देख लीजिए क्या क्षमता है, कितना बड़ा है एस्टेरिया कोलाई में, 1700 म्यू। लेकिन अब ये इतना बड़ा जो डीएनए है इसको व्यवस्थित रूप में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पैक करके रखना पड़ेगा। अब बात है इसलिए पैक कैसे हुआ, देखो कैसे हुआ, देखते हैं इसको, यही पढ़ना है डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोटिक में। देखिए क्या हुआ, पैकेजिंग के लिए इन्होंने क्या किया, देखते हैं। ये दो शब्द हमारे क्लियर हो गए, ये मैंने क्यों लिखे थे, ये हमने इसलिए लिखे थे, आपको ये बात समझ में आ चुके कि एस्टेरिया कोलाई का माप ये है और एस्टेरिया कोलाई पाए जाने वाले डीएनए का माप ये है, तो ये डीएनए इतना बड़ा कैसे रखा गया, इसके लिए हम पढ़ते हैं डीएनए पैकेजिंग किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। अब क्या आया, अब बात आती है कि सर ने यूकैरियोटिक सेल को जब देखा था, यूकैरियोटिक सेल को जब देखिए, तुलना करके पढ़ना है, क्योंकि जब दो में, दो के बीच में जब तुलना करके आप पढ़ते हो तो उससे बेनिफिट एक ये होता है, दोनों के करेक्टरों के बीच में अंतर और समानताएं दोनों देखने को मिलती हैं, क्या डिफरेंस है और क्या कौन से करेक्टर इसमें सेम है, ये दोनों बातें आपको देखने को मिलती हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में हमने क्या देखा था कि यूकैरियोटिक सेल जो थी मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूकैरियोटिक सेल थी उसके अंदर क्या था, केंद्रक था, केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस था, क्या था, न्यूक्लियस था, है ना, यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या था, न्यूक्लियस था। चलो मैं इसको इधर कर देता हूं, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में क्या था, मैं इसको फिर से दोबारा नोट डाउन कर देता हूं, यूकैरियोटिक सेल थी ये आपकी, यूकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या था, न्यूक्लियस था कि नहीं था, है ना, और उस न्यूक्लियस के अंदर था हिस्टोन प्रोटीन, क्या था, हिस्टोन प्रोटीन था, और उस हिस्टोन प्रोटीन में ही व्यवस्थित क्या था, डीएनए था।
इतना तुमको पता है, पढ़ चुके हैं कि जो आपके यूकैरियोटिक सेल थी, यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक, केंद्रक था, और उस केंद्रक के अंदर हिस्टोन प्रोटीन थी, यानी इस न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन प्रोटीन थी, और उस हिस्टोन प्रोटीन में व्यवस्थित क्या था, डीएनए। यानी सीधा हम एक शब्द बोल सकते हैं, जो हमारा डीएनए है, क्या है, डीएनए है, वो किसके अंदर था, चलो मैं इसको यहां से बता देता हूं, जो हमारा डीएनए है वो किसके अंदर था, यूकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियस के अंदर। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, जो हमारा डीएनए था वो किस में था, यूकैरियोटिक सेल में तो था ही था, है ना, तो वो यूकैरियोटिक सेल में किसके अंदर था, वो था न्यूक्लियस के अंदर, हमारा डीएनए यूकैरियोटिक में। चलो मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूं, आपको बात क्लियर होती रहेगी, आप देख सकते हो, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में, है ना, यहां पे मैं ये लगा देता हूं, इस सेल की बात कर रहा हूं, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल में जो हमारा डीएनए है वो किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, यानी केंद्रक के अंदर है कि नहीं है। लेकिन अब मैं यदि यहीं पर बात करूं प्रोकैरियोटिक की, यानी यूकैरियोटिक में क्या मिल रहा है, एक पूरी सेल है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन प्रोटीन है, और उस प्रोटीन के चारों तरफ कुंडलित क्या है, हमारा डीएनए है। अब बात आती है, सर ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कुंडलित हुआ क्यों, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे रीजन रहा होगा, और जब ये, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, जब जैसे ये हिस्टोन प्रोटीन है, जैसे मैं ये ले लेता हूं, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है, क्या है ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, क्या है हमारा ये न्यूक्लियस है, है ना। अभी देखो मैं इसको समझा देता हूँ डायग्राम से, आपको क्लियर बात हो जाएगी, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक है, ठीक है, और इस केंद्रक के अंदर क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, और इस हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए कुंडलित किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, डीएनए कुंडलित किए हुए, इस प्रकार व्यवस्था क्रम देखने को मिलता है। इस व्यवस्था क्रम को क्या बोलेंगे, यहां पर आपको जो दिख रहा है इसी को बोलते हैं हम, क्या है ये डीएनए, और डीएनए कैसा है, पैक, तो बोल देते हैं पैकेजिंग, क्या बोल देते हैं, पैकेजिंग। ये डीएनए, अब कोई पूछता है आपसे यूकैरियोटिक, अभी मैं यूकैरियोटिक की बात कर रहा हूं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए पैकेजिंग कहां देखने को मिलती है, तो आपको सर न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन एक बात और आती है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो जो डीएनए पैकेजिंग है, वो डीएनए पैकेजिंग हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए की व्यवस्था प्रणाली है कि नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि सर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन एक दूसरे से आपसी संबंध कैसे बनाए हुए हैं, ये आपस में एक दूसरे से जो संबंध बना हुआ है, यानी हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए का जो कुंडलन है, इसके पीछे कारण क्या है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि जो आपका डीएनए है इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, है ना, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए अपना पास कैसा चार्ज रखे हुए है, सॉरी डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जो आपके हिस्टोन प्रोटीन है, क्या है, जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, अब जब प्रोटीन के पास पॉजिटिव चार्ज है और डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से संबंध स्थापित कर लेते हैं, और जब ये एक दूसरे से संबंध स्थापित कर लेते हैं तो इस प्रकार की, और एक व्यवस्थित क्रम में रहते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था प्रणाली को ही डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। ये तो यूकैरियोटिक बात आई, लेकिन अब जब मैं यूकैरियोटिक को अलग करके, यूकैरियोटिक को अलग करके अपने टॉपिक पर आता हूं प्रोकैरियोटिक पर, तब कहानी कुछ बदल जाती है। अब कहानी क्या बदल जाती है, वहां पर क्या है कि यहां पर साफ लिखा हुआ है, तीसरा टॉपिक आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस नहीं है। अरे ये तो गड़बड़ हो गया कि यहां पर तो न्यूक्लियस था, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस था, लेकिन यहां पर तो न्यूक्लियस नहीं है, तो अब डीएनए कहां रहता होगा, चलो पता करते यहीं से देखते हैं, डीएनए रहता कहां होगा न्यूक्लियस में। यदि मैं इस जगह पर, अब मैं यहां पे बात सीधा समझा देता हूं, अब यहां पर यदि मैं इसकी तुलना यूकैरियोटिक से करता हूं, तो यूकैरियोटिक में तो न्यूक्लियस था, तो उसके अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कुंडलित क्या था, डीएनए। किंतु प्रोकैरियोटिक सेल में थोड़ा डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है कि इसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, क्या नहीं है, तो यह व्यवस्था प्रणाली नहीं हो सकती है।
व्यवस्था पढ़ाई नहीं हो सकती है, तो फिर अब क्या होगा? अब सीधी सी बात है, जब यह न्यूक्लियस नहीं है तो बचा क्या? सिर्फ सेल बची। क्या बची? सेल बची। तो अब मैं यदि पूछ दूं कि प्रोकैरियोटिक में डीएनए कहां होता है, तो प्रोकैरियोटिक में डीएनए सेल के अंदर होता है, कोशिका के अंदर होता है। चलो अब दूसरी बात आती है, इसको मैं प्रोकैरियोटिक की दृष्टि से देखता हूं। प्रोकैरियोटिक सेल है, क्या है? यह है तुम्हारी प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल है, क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें न्यूक्लियस होता है, आप कहोगे सर नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो फिर अब इस प्रोकैरियोटिक सेल में ही क्या होगा? डीएनए। आप कहोगे सर आप एक गलती कर गए। क्या गलती कर गए? कहोगे आपने गलती ये कर दी है कि जब हमने यूकैरियोटिक पढ़ा था, यूकैरियोटिक पढ़ा था, तो यूकैरियोटिक में क्या था? न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस था कि नहीं है? उस न्यूक्लियस में क्या था? हिस्टोन प्रोटीन था, और उस हिस्टोन प्रोटीन में डीएनए था। हाँ, ये मैंने नोट डाउन किया था। लेकिन आप यहां से सीधा प्रोकैरियोटिक सेल से कहां पहुंच रहे हो? डीएनए पर। आपने इसको क्यों अलग कर दिया? इसको तो ठीक आपने बता दिया नहीं होता है, लेकिन इसको अलग क्यों कर दिया? देखो एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। अच्छा, हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होती है? नहीं, हिस्टोन प्रोटीन भी प्रोकैरियोटिक सेल में होती है। तो सीधी बात है कि डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में सीधा होता है। तो पूछा है तुमसे कोई कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर? नहीं। हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ? नहीं। तो कहां होता है? सीधा डीएनए जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। आप कहोगे तो इसका मतलब सर ये हुआ कि जैसे मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझूं, तो जैसे ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल हो गई और इसके अंदर डीएनए, तो क्या डीएनए ऐसे रहेगा? ये हो गया डीएनए। मैंने कहा नहीं, ये गलत है व्यवस्था। कहोगे सर लिखा तो यही है कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए होता है। हाँ, ये तो बात ठीक है, लेकिन वो होता कैसे है? वो एक व्यवस्था प्रणाली में होता है, और उस व्यवस्था प्रणाली को बोलते हैं डीएनए पैकेजिंग। क्या बोलते हैं? डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग है ना। तो फिर ये जो डीएनए पैकेजिंग है, पैकेजिंग, तो डीएनए पैकेजिंग जो व्यवस्था प्रणाली होती है वो देखने को मिलती है। अब बात आती है कि उसमें जो डीएनए पैकेजिंग है वो तो कहीं दिख नहीं रही है, तो फिर उसको बनाओ। देखिए उसमें क्या होता है डीएनए पैकेजिंग में। डीएनए पैकेजिंग में तुमको क्या दिखेगा कि जो आपकी सेल है, अब डीएनए पैकेजिंग बना के दिखाते हैं। ये आपकी सेल रही, कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। इस सेल में न्यूक्लियस है नहीं, तो बात क्लियर हो गई कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है। अब जब न्यूक्लियस नहीं है तो फिर क्या करें? हिस्टोन प्रोटीन पर आते हैं। हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं है, तो अब बात आती है हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तो फिर डीएनए पैक किस में है? तो देखो क्या लिखा है, ये बिंदु पढ़ते हैं। हिस्टोन प्रोटीन नहीं जबकि पॉलीएमीन प्रोटीन पाई जाती है। अच्छा, पॉलीएमीन प्रोटीन पाई जाती है, इंपॉर्टेंट शब्द, पॉलीएमीन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पॉलीएमीन प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। तो अब क्या हुआ? और प्रोटीन के पास चलो कैसा चार्ज होता है? हमको पता है कि डीएनए के पास चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और जबकि प्रोटीन के पास चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है ना। प्रोटीन में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। डीएनए में कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब देखो क्या होगा इसमें, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, इसमें क्या होता है कि यहां पे जो प्रोटीन है पॉलीएमीन प्रोटीन है। चलो ये हो गई पॉलीएमीन प्रोटीन, मान लेते हैं क्या है? पॉलीएमीन प्रोटीन है। अब
क्या है? अब जो डीएनए है वो क्या करेगा, डीएनए के पास चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटीन के पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हो गई तुम्हारी पॉलीएमिन प्रोटीन। अब इसके पास आया डीएनए, तो डीएनए ने क्या किया, अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित करना शुरू कर दिया, ये इस प्रकार कुछ डीएनए अपने आप को व्यवस्थित करेगा। ये डीएनए अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर रहा है। अब कहोगे सर इस ये क्या हो गया आपका, आप बोलोगे सर ये तो हो गया डीएनए हमारा, क्या हो गया डीएनए हो गया हमारा, ये हो गया डीएनए, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रोटीन हो गया, क्या हो गया प्रोटीन हो गया, है ना, क्या हो गया प्रोटीन हो गया। अब इस प्रोटीन को देखते हैं हम, क्या हुआ प्रोटीन, प्रोटीन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, है ना। तो अब क्या करेगा, डीएनए प्रोटीन के चारों तरफ एक व्यवस्थित प्रणाली में आ जाएगा। इस प्रकार आपको डीएनए प्रोटीन की तरफ आपको व्यवस्थित दिखेगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं, इस संरचना को हम बोलते हैं लूप। ये क्या दिख रहे हैं आपको, लूप। तो अब यहां पर डीएनए लूप बनाकर अपने आप को व्यवस्थित कर रहा है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में लूप बना लेता है। तो इस प्रकार आपको बात क्लियर हो गई कि डीएनए जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, देखो न्यूक्लियस नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, देखो हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। कौन सी प्रोटीन होती है, पॉलीएमीन प्रोटीन होती है। लेकिन कहोगे सर आपने एक ये बिंदु छोड़ रखा है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियाइड कहते हैं। इस पूरी की पूरी संरचना को क्या कहते हैं, इस पूरी की पूरी संरचना को कहते हैं न्यूक्लियाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियाइड हमको कहां देखने को मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। तो यहां पर आपको सारे के सारे बिंदु क्लियर हो गए होंगे। चलो एक बार जल्दी से बिंदुओं को रिकॉल कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे रखा डीएनए, तो देख सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल, ये कौन सी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, देख लीजिए डीएनए कैसे रखा हुआ है। अगला बिंदु क्या है, इस्ट्रिया कोलाई में डीएनए, इस्ट्रिया कोलाई जो सेल है बैक्टीरिया हो उसकी माप ये है, और उसके अंदर जो डीएनए है उसकी माप ये है। यानी इतना बड़ा डीएनए इतनी छोटी सेल के अंदर कैसे व्यवस्थित है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। दूसरी बात, तीसरा बिंदु क्या आता है यहाँ पे, दूसरा बिंदु क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक, इसमें कहीं भी आपको केंद्रक नहीं दिख रहा है। केंद्रक है क्या, नहीं है। केंद्रक किसमें होता है, यूकैरियोटिक में होता है, देखा था अभी हमने। अब इस बिंदु को थोड़ा बाद में देखते हैं, इस बिंदु को देखते हैं, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, यानी नहीं, जबकि पॉलीएमिन प्रोटीन पाई जाती है। देखिए यहाँ पे तुमको ये प्रोटीन दिख रही है, कौन सी प्रोटीन है, पॉलीएमिन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। और ये जो डीएनए है ये एक लूप में व्यवस्थित हो जाता है, जिसे बोलते हैं डीएनए लूप। क्या बोलते हैं, लूप डीएनए, या डीएनए लूप बोलते हैं इसको हम। ये भी बात हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। तीसरी बात क्या है यहाँ पर, कि अब ये प्रोटीन में इस प्रकार डीएनए के लूप नुमा स्ट्रक्चर को, या इस प्रकार की पूरी व्यवस्था को क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं, या इस बनी संरचना को न्यूक्लियाइड कहते हैं। इस प्रकार आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ। और देख लीजिए डीएनए कहाँ होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल के केंद्र के अंदर नहीं होता, क्योंकि केंद्र उसमें होता ही नहीं है, ठीक है। आप लोग इस प्रकार पढ़ते रहिए, आप लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी के आधार पर पूरा एक एक बिंदु आपको समझाया जाएगा। सभी यहाँ पर आपको एक एक बिंदु को एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान रखते हुए समझाया जाएगा। धन्यवाद।